जिला शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक और बाबू को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक राजेश सिंह परिहार और अवधेश शर्मा ने पोहरी के छात्रावास अधीक्षक हेमराज सहरिया से बिल भुगतान करने के एवज में 1,00,000 रुपए की मांग की थी। वहीं हेमराज ने ग्वालियर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी और आज लोकायुक्त की टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में छापामारी कर आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक और बाबू को 80,000 रुपए नकद लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये कार्रवाई हुई है, राजेश परिहार और अवधेश शर्मा बाबू है जो, उन पर कार्रवाई हुई है। हेमराज सहरिया जो छात्रावास अधीक्षक है पोहरी में, उनके द्वारा शिकायत की गई थी लोकायुक्त कार्यालय में। वहाँ छात्रों की जो शिष्यवृत्ति निकलती है उसका बजट आता है, उसमें इनके द्वारा कमीशन लिया जाता है। उस कमीशन 20% कमीशन मांग कर रहे थे, 4,00,000 रुपए कुछ उनका शिष्यवृत्ति का पैसा था, उस पर 20% की मांग कर रहे थे। तो 80,000 रुपए और 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे, मतलब 1,00,000 रुपए की डिमांड की गई थी। कितने लोगों को पकड़ा है? आज 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। एक बाबू है अवधेश शर्मा और जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग के जो राजेश परिहार हैं उन पे कार्रवाई। इसमें सर आपने जन सुनवाई में बीच में से उनको उठा के लेके आए, क्या मतलब क्या? नहीं, इसमें कार्रवाई दोनों के खिलाफ कार्रवाई थी, दोनों की साठगांठ से जो है हुई है, दोनों के द्वारा आपस में कोऑर्डिनेशन करके मिली भगत करके रिश्वत मांग की गई है, इसलिए दोनों ही प्रकरण में आरोपी है। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा गया। हेमराज सहरिये सर, क्या करते हैं? मैं छात्रावास अधीक्षक हूँ, शासकीय अनुसूचित जाति बालक सीनियर छात्रावास पोहरी। अच्छा, आपके द्वारा जो लोकायुक्त में शिकायत किसके खिलाफ की गई थी, आज क्या कार्रवाई? हमारे DO साहब जिला संयोजक महोदय के द्वारा रिश्वत के रूप में हमसे जो बच्चों की शिष्यवृत्ति आती है ना, उसमें से 20% कमीशन बाबू के द्वारा मांगा गया। हम देने में असमर्थ थे सर, और वो प्रेशर दे रहे कि नहीं तुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कितने पैसे दिए? अभी सर 80,000 रुपये दिए हैं नगद। और कितने की मांग की जा रही? 20,000, 1,00,000 की कर रहे थे, 20,000 और शेष कह रहे थे। तो आपको जो पेमेंट निकलता है यहाँ से बच्चों का खाने वाने का, हाँ, तो तभी निकलता है, इनको रिश्वत दी जाती है? नहीं, पेमेंट तो जो भेज देते हैं सर, हमारे जो सरकारी संस्था खाता रहता है, हम उसको उपस्थिति के आधार पर खर्च कर देते हैं, उपस्थिति उधारी में चलाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम बजट नहीं आता है शासन से, तो उधारी में चलाते हैं, तो उसको निकाल के हम बच्चों की जो मैं समिति रहती है उसके द्वारा खर्च किया जाता है सर। उसके एवेज में सर हम पे इतनी पैसे बच नहीं रहे थे, तो हम एकदम हताश हो गए थे, अब क्या करना चाहिए। कितने के नोट दिए थे? हमने 2,000 के 20 नोट दिए थे और 500 के। लोकायुक्त में कैसे गए आप? हम सर, हमारे भाई साहब हैं शशिपाल नरवरिया जी, उन्होंने पिछले साल लाला जी को गिरफ्तार पकड़वाया था वहाँ खराल में, जाति प्रमाण पत्र बनवावे के लिए उन्होंने मुझे सलाह दी थी, इसलिए आज ये आपने कितने पैसे दिए? आज 80,000 रुपए दिए हैं नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।